की 13 नगर पंचायतों और 4 नगर पालिकाओं में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, मुस्लिमों के भी वोट मिले। उत्तर प्रदेश की 13 नगर पंचायतों और 4 नगर पालिकाओं में कांग्रेस के अध्यक्ष पद प्रत्याशी जीते हैं। हालांकि सभी परिणाम आने के बाद इस संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। वहीं यूपी में आमतौर पर कांग्रेस से दूर रहने वाले मुसलमानों ने इस बार निकाय चुनाव में उसे भी वोट दिया। शाहजहांपुर, मुरादाबाद और झांसी में उसके दूसरे नंबर पर रहने को इसी का नतीजा बताया जा रहा है। शनिवार की देर रात तक जितने परिणाम जारी हुए थे उनमें नगर पंचायतों में कांग्रेस के 77 सदस्य और नगर पालिकाओं में 89 सदस्य जीते हैं। नगर निगम में भी उसके 77 प्रत्याशी पार्षद बने। कांग्रेस के संगठन सचिव अनिल कुमार ने बताया कि इसके अलावा मऊ की कोपागंज और बिजनौर की 2 नगर पंचायतों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भी जीते हैं। किन्हीं कारणों से इन्हें कांग्रेस का संबल नहीं दिया जा सका था, पर कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही उन्हें अपना समर्थन दे दिया था। उधर मुरादाबाद में विजयी हुए भाजपा के विनोद अग्रवाल को कुल 1,21,415 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान कुरैसी को 1,17,826 मत मिले। यहां तीसरे नंबर पर रहे बसपा प्रत्याशी मोहम्मद यामीन को 15,845 मत प्राप्त हुए, जबकि चौथे स्थान पर रहे सपा उम्मीदवार रईसुद्दीन को 13,441 वोट मिले। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुरादाबाद में अल्पसंख्यकों के मतों का बड़ा हिस्सा लेने में कांग्रेस सफल रही। शाहजहांपुर और झांसी नगर में भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहना इसी समीकरण का नतीजा माना जा रहा है।